Meanwhile, now Pakistan has a new sporting hero and it's not. तो एक ही फरो लगी है उसकी वैलिडिटी, बाकी पांच फोल गई हैं। अर्शद नदीम सर। नाउ अर्शद। जी जी। अर्शद नदीम क्या जबरदस्त विजुअल है। पाकिस्तान अर्शद नदीम। आपकी जो थ्रो थी ये देखो 92.97। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस बहुत बहुत मुबारक। अर्शद नदीम ने यह साबित कर दिया कि तुम लोगों को कामयाब होने के लिए पैसे की या किसी सपोर्ट की या किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो दिल में जज्बा और अपने ऊपर यकीन। अगर ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसे अर्शद नदीम ने किया। बड़ी कमाल की बात तो ये कि अर्शद नदीम साल 1997 में पैदा हुए थे, किसी मियां चनू छोटे से पंजाब में गाँव में वहां पैदा हुए थे। इनके जो है 8 बहन भाई हैं और ये थर्ड पे आते हैं। इनके जो बाप है वो बहुत ही गरीब है, वो मजदूर है, लेबर है, जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं। अर्शद नदीम की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसके लिए कोई क्रिकेट की किट खरीद सके। अब तुम लोग बोलोगे क्रिकेट की किट? यस, अर्शद नदीम हमेशा से फुल टाइम क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जैवलिन का जो शौक है वो अर्शद को नहीं था। 7th क्लास में जब अर्शद पढ़ता था तो उसके एक पीटी के टीचर थे जिसका नाम था रशीद अहमद साकी। तो उसने एक बार अर्शद को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो अर्शद ने जो बॉल की जो थ्रो वो बहुत स्पीड से की थी, तो उसके जो टीचर है, जो उसके कोच है, उसने इसके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और अर्शद को कहा तुम ये क्रिकेट छोड़ो, ये जैवलिन की थ्रो करो, मैन थ्रो। इसे सारा समझाया। अशरफ को ये बात समझ नहीं, अशरफ ने अपने घर जाकर अपने बाप को बताई। इसके बाप का नाम है मोहम्मद अशरफ। अब जब उनके बाप थे उसने यही कहा कि बेटा कि तुम वो ना करो जो सारी दुनिया करी है, तुम्हारा ये टैलेंट है, अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाओ। वो उन्होंने अपनी भाषा में बोला, पर बोला ये पैशन को प्रोफेशन बनाओ। जब आप अपनी जिंदगी में पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अर्शद ने इस चीज को फिर भी सीरियस नहीं लिया, अर्शद करता गया। अर्शद क्रिकेट भी खेलता था, साथ में जैवलिन की थ्रो भी करता था अपने गाँव में, क्योंकि जाहिर बात है गाँव में क्रिकेट दोस्तों से खेलता था और जैवलिन की स्टिक इसके पास होती नहीं थी, बहुत गरीब, मतलब उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, तो यही लकड़ी वगैरह लेके उसको किसी से जोड़ के वो गाँव में ही थ्रो करता था, उसे प्रैक्टिस करता था। 2015 में अर्शद ने फाइनली सोचा कि क्रिकेट में मेरा कुछ बन नहीं रहा, ना मेरे मजा आ रहा है। अर्शद ने जैवलिन को ही फिर अपना फुल टाइम करियर बनाया, कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस जैवलिन थ्रो करूंगा। 2015 में अपने जैवलिन को फुल टाइम बनाया, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब क्योंकि गांव में रहता था मियां चनू, तो वहां क्रिकेट के ग्राउंड तो थे लेकिन जैवलिन का कुछ भी नहीं था, तो वहां पर उसके बाद नहीं था, तो ये यकीन मानो 150 किलोमीटर दूर ट्रेवल करता था सिर्फ जैवलिन की प्रैक्टिस के लिए। बहरहाल फास्ट उसके बाद 2015 के बाद 2016 में ये लोकली जो होते थे स्पोर्ट्स वगैरह होते थे उसमें ये पार्टिसिपेट करता था और हमेशा अव्वल नंबर से पास होता था, फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, थर्ड आता था। इसके बाद इसके जो प्रोफेशनल कोच थे जो अनडिस्क्लोज है उसने इनको ये सलाह दी कि अब तुम नेशनल की तरफ जाओ। तो 2016 में जब ये नेशनल खेल रहा था कॉमनवेल्थ में और बाकी जोन में, तो उसमें भी ये जीत गया। फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, उसका काम ये होता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उन्हें चैरिटी उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें फंड्स देते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। ये अर्शद की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अर्शद को जब स्कॉलरशिप मिल गई वहां से अर्शद बच चले गए मॉरिशस, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग लेने गए थे मेंस जेवलिन थ्रो की। वहां से अर्शद अब कोई नेशनल या कोई लोकल जेवलिन मैन थ्रो नहीं हुआ, वो एक इंटरनेशनल बन गए। उसके बाद बैक टू बैक चैलेंजेस, बड़े बड़े जो टूर्नामेंट, बाकू में जीतना, इंडिया में खेलना, जगह जगह अजरबैजान, तुर्की, जगह जगह उन लोगों ने जो टूर्नामेंट वगैरह, लेकिन उसमें भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते, लेकिन कभी उसमें इतनी वैल्यू किसी ने नहीं दी, बिकॉज वो जो चैलेंजेस होते थे, वो जो टूर्नामेंट होते थे, वो इतने बड़े वर्ल्ड लेवल पे नहीं होते। 2016 के बाद ऐसे ही खेलते गए खेलते गए। 2020 में ये यकीन माने पहला ऐसा पाकिस्तानी जा जो ओलंपिक टोक्यो में क्वालिफाई होता है एज अ मेंस जेवलिन थ्रोअर, लेकिन उसमें ये कंपटीशन था, उनका कंपीट कर रहे थे इंडिया के जो हरियाणा में छोटे गांव से आए हुए नीरज चोपड़ा से। अब नीरज चोपड़ा अर्शद नदीम में ये फर्क था कि अर्शद नदीम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, नीरज चोपड़ा की ये सीन था कि नीरज चोपड़ा हाई प्रोटीन डाइट थी, उसको जिम की इक्विपमेंट थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, फंड्स थे, ग्रांट्स थे, बहुत कुछ था नीरज चोपड़ा के पास। उसमें नीरज चोपड़ा फर्स्ट आए थे जेवलिन थ्रो में और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विथ 87.54 पॉइंट्स से थ्रू जेवलिन थ्रो में, और जो अर्शद नदीम थे वो फिफ्थ आए थे, यकीन माने फिफ्थ आए थे, जिसमें 84.64 पॉइंट्स से इनकी मीटर्स की थ्रो थी। इससे एक बात तो क्लियर होता है कि जो इंसान फर्स्ट होता है सिर्फ उसी की वैल्यू थे। अर्शद नदीम को लेकिन अपने ऊपर यकीन था, नीरज चोपड़ा को ईगो था कि मैं अर्शद नदीम से कभी नहीं हार सकता, लेकिन अर्शद नदीम को किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी, किसी के लिए कोई हेट नहीं था, लेकिन अर्शद नदीम को खुद पे यकीन था कि मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं फर्स्ट जरूर आऊंगा। उसके बाद बैक टू बैक अर्शद नदीम अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहा, ट्रेनिंग करता रहा,
सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दिया, उसने सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखा और सिर्फ पॉजिटिविटी देखी कि मैं आगे बढ़ूंगा, दैट्स इट। 2022 में इसका सबसे बड़ा एक सेटबैक था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिससे इसका करियर खत्म हो सकता था अर्शद नदीम। 2022 में जब वो जेवलिन थ्रो कर रहे थे तो उन्हें नी और एल्बो में सबसे मेजर इंजरी हुई, वो एक हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे थे जिस हॉस्पिटल का नाम ये, तो डॉक्टर ने उसे साफ बोल दिया कि तुम्हारे इंजरी बहुत खतरनाक है, क्या तुम हमें इजाजत देते हो ऑपरेशन करने के लिए, उसमें अगर ये ऑपरेशन फेल गया तो ये कभी भी जेवलिन थ्रो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका एल्बो और नी फुली रिकवर कभी नहीं होंगे। अर्शद नदीम ने कहा कि तुम लोग डॉक्टर्स हो, दिल में कहा था तुम लोग अल्लाह नहीं हो, तुम लोग खुदा नहीं हो। अर्शद नदीम को अपने अल्लाह पे यकीन था, उसे बिलीव था कि मैं ठीक हो पाऊंगा। ऑपरेशन हुआ एंड वो सक्सेसफुल हो गया। अर्शद नदीम एक महीने के अंदर स्पीडी रिकवरी सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जेवलिन थ्रो के लिए। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, फिर साल दो साल जो टूर्नामेंट जो चैलेंजेस जो लोकली होते थे वो प्रैक्टिस करता था, खेलता था, जीतता था। लेकिन जब 2024 आया ओलंपिक, तब अर्शद नदीम को था, उसने ठान ली थी कि अब मैं फर्स्ट आऊंगा, एनी हाउ मैं 90 मीटर्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ूंगा और नीरज चोपड़ा को मैं पीछे छोड़ दूंगा, इंडिया को मैं पीछे, सबको मैं पीछे छोड़ दूंगा। अर्शद नदीम ने फिर जो थ्रो की वो 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो थी। ये पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये पहला ऐसा इंसान है जो हजारों लाखों सालों में पहली बार इतनी बड़ी थ्रो अर्शद नदीम करता है। एक थ्रो की वजह से इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इसके बाद जब इसने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में टोक्यो के, तो उसके बाद इसे पाकिस्तान में इसके लिए लाहौर में एक परेड हुई। बहुत बड़ी बात है इसके लिए परेड होना। जीरो से ये 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया अर्शद नदीम। आपको पता है इस एक थ्रो के पीछे इसकी 15 इयर्स की मेहनत है। अब आपको पता है पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। इससे आपको एक चीज सीखने को मिली कि अगर आप हार रहे हो या आप स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप फर्स्ट आते हो, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, जब आप फर्स्ट आते हो तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ती है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हम सबके लिए। आपको ये सीखना चाहिए, आप जिंदगी में जिस फील्ड में हो कभी भी नेगेटिविटी को मत सुनो, हमेशा पॉजिटिव रहो, बिकॉज आपका ख्याल रखने और कोई नहीं आएगा, आप अपने लिए खुद ही हो। मैं अमेरिका में बैठ कर देखो पाकिस्तानी बंदे की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, वो डिजर्व करता है मेरी अल्फाज सुनना। स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, आई लव यू सो मच।